हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। आज के अपने इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो सोशलिज्म के आइडियाज थे उनको कैसे सपोर्ट मिलता है और कह सकते हैं कि कैसे उन्हें चिंगारी मिलती है जिसके कारण वो पूरे एक आग की तरह पूरे यूरोप में फैलते हैं। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के आइडियाज के बारे में, मतलब कि उनका क्या थिंकिंग था, उनकी क्या विचारधारा थी सोशलिज्म के प्रति, उनके अकॉर्डिंग सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी सोसाइटी होनी चाहिए थी। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि हमने पढ़ा रॉबर्ट ऑर्न हो गए, लुइस ब्लैंक हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंगल्स हो गए, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा प्रकट की थी, क्या क्या सकते कि अपनी थिंकिंग बताई थी किसके प्रति, सोशलिज्म के प्रति, कि सोशलिज्म का मतलब क्या है, सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए तो कैसी सोसाइटी होनी चाहिए। तो होता क्या है ना कि 1870 तक, लगभग 1870 तक पूरे यूरोप में जो सोशलिज्म का आइडियाज थे, सोशलिज्म के आइडियाज जो रहते हैं वे पूरे आग की तरह फैल जाते हैं 1870 तक पूरे यूरोप में। अब जगह जगह पर लोग क्या रहते हैं, क्या करते हैं कि जगह जगह पर बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो लोग रहते हैं इस सोशलिज्म के आइडिया से अवगत होते हैं, रूबरू होते हैं, इसे जानते हैं और इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो जो जो लोग प्रभावित होते थे, जैसा हमने पढ़ा था कि जो लोग प्रभावित होते हैं, चाहे जो जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं उन्हें सोशलिस्ट कहा गया था। तो ऐसा क्या होता है ना कि हर एक जगह देखने को मिलता है कि सब लोग जो सोशलिज्म के आइडिया से प्रभावित होते थे, जिससे के कारण जो जो लोगों का मानना था कि हाँ, जो लोग विश्वास रखते थे सोशलिज्म में, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। तो क्या होता है कि छोटा छोटा, मतलब हर एक जगह पर छोटा छोटा पीपल्स का ग्रुप बनते गया था, लोगों का समूह बनते गया था। कैसे लोगों का समूह, वैसे लोगों का समूह जो सोशलिज्म में विश्वास रखते थे। तो इससे क्या होता है ना कि हर एक जगह अब छोटा छोटा ग्रुप बन गया, तो एक पूरी एक कंट्री में बहुत सारे ग्रुप्स हो गए जो लोग सोशलिज्म के प्रति, मतलब कि सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे या उसकी विचारधारा को मानते थे, उसमें विश्वास रखते थे। तो इससे क्या होता है ना कि सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। अब जो लोग हैं हर एक, अब डिफरेंट डिफरेंट जगह, अलग अलग जगह पर छोटे छोटे ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। तो अब ये लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा जो ग्रुप होता है ना, तो सब मिलकर एक इंटरनेशनल बॉडी बना देता है, एक पूरी इंटरनेशनल लेवल पर एक बॉडी बना देता है, जिसको सेकंड इंटरनेशनल कहा गया था। इसको सेकंड इंटरनेशनल कहा गया था, जिसका नाम दिया गया सेकंड इंटरनेशनल। अब क्यों उन लोगों ने एक जगह, मतलब कि क्यों एक जगह इकट्ठा होकर एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया, इसलिए बनाया था ना ताकि जो भी, अब देखिए छोटे रूप में अगर वो लोग काम करें, एक इंडिविजुअल कह सकते हैं कि जब छोटा ग्रुप है उसमें कुछ मेंबर्स 10-12 आदमी है, तो वो लोग क्या चीज़ करते, मतलब सब तो डिमांड करते चेंज, सब वही चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, जहाँ पर कोई प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट देखा जाए तो किसका प्रॉफिट देखा जाए, सोसाइटी का, यानी सोशल वेलफेयर देखा जाए, वहाँ के सोसाइटी का वेलफेयर देखा जाए। सबका यही मानना था, सब यही चाहते थे कि बदलाव आए। अब बदलाव सभी चाहते थे, तो सभी ने ये सोचा कि अलग अलग जगह रहकर डिमांड करने से अच्छा हम लोग एक बनकर, मतलब सबको मिलकर एक बड़ा सा बड़ा इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं ना, यूनिटी लाइज इन स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया कि जो छोटे छोटे ग्रुप थे सबको एक में मिलाकर एक बड़ा सा इंटरनेशनल बॉडी बना लिया, जिससे क्या होगा कि वे लोग साथ में, सबको मतलब सबको मेहनत करेगा, साथ में लोग आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि बदलाव आए। एक अकेला व्यक्ति से करने से अच्छा कि सभी लोग साथ मिलकर करें। तो इससे क्या होता है ना कि दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ associations of workers in England and Germany to fight for better living and working conditions. अब देखिए एक तरफ तो ये था कि इंटरनेशनल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, अब दूसरी ओर इंग्लैंड और जर्मनी में क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स रहते हैं वो एक अपना एसोसिएशन बनाते हैं, या कह सकते हैं कि एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। अब वे जो ग्रुप बनाते हैं तो वो ग्रुप क्यों बनाते हैं, उसका क्या डिमांड रहते हैं, तो उन्होंने इसलिए वो ग्रुप बनाया था ना ताकि वे लोग अपना डिमांड कर सके, चाहे कह सकते कि इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अब इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में लाने के लिए, तो वे लोग वर्कर्स के लिविंग कंडीशंस पे और उनके वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहते थे। वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने का इन द सेंस
जैसा कि हमने पढ़ा था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है तो उस समय क्या था कि वर्कर्स को बहुत देर तक, मैंने लॉन्ग वर्किंग आवर हुआ करता था, 14-14 घंटे 15-15 घंटे काम करवाया जाता था। वेजेस अच्छी नहीं थी, उन्हें वेजेस भी उनके काम के अकॉर्डिंग नहीं दिए जाते थे, प्लस हाउसिंग और सैनिटेशन फैसिलिटीज भी नहीं थी, उन लोगों के रहने रहने का भी कोई ढंग का ठिकाना नहीं था। तो इसीलिए इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर्स लोग रहते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि जिसका मेन एम रहता है कि वे लोग अपने लिविंग कंडीशंस को सुधार सके, अपने वर्किंग कंडीशंस को सुधार कर सके। अब देखिए, हमने देखा कि जगह जगह पर एसोसिएशंस बन रहे हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स बन रहे हैं जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो अब ये ग्रुप जो बनता है, ये जो एसोसिएशन बनता है, उसका कुछ तो एम होगा, किसी ना किसी मकसद से उन्होंने तो अपना ये फॉर्मेशन किया होगा। फॉर्मेशन क्या, कुछ डिमांड होगा, कुछ मकसद होगा। तो पढ़ते क्या उनकी एजेंडास थे, कह सकते कि उनकी एजेंडास क्या थे। तो दे डिमांडेड बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। पहला बात, सभी ग्रुप का मेन एजेंडा यही था, मोटो यही था कि लिविंग कंडीशंस में सुधार आए, वर्किंग कंडीशंस में सुधार आए। किसके लिविंग और वर्किंग कंडीशन में सुधार आए? तो वर्कर्स के, बात यहाँ वर्कर्स की हो रही है। दूसरा, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। जैसा हमने पढ़ा कि वे लोग चाहते थे कि जो उन्हें इतनी देर तक काम करनी पड़ती है, इससे उनके वर्किंग आवर्स में कमी आए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। इसलिए वे चाहते थे कि उनका वर्किंग आवर्स भी कम हो। साथ ही साथ वे राइट टू वोट, यानी कि वोट करने का अधिकार भी चाहते थे, यानी कि उन्हें भी ये अधिकार दिया जाए कि वे लोग भी मतदान कर सकें। अब वे लोग क्या करते थे ना, जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स हुआ करता था, भले वे लोग गरीब व्यक्ति थे, आते थे तो लोअर स्टाटा के ही पीपल, लोअर क्लास के पीपल रहते थे, तो वे लोग क्या करते थे ना कि जितने भी लोगों का समूह बना, अब उन्हीं लोगों में से मिलकर वो लोग फंड इकट्ठा करते थे। अब फंड क्यों इकट्ठा करते थे? ताकि जिससे, मान लीजिए उन्हीं के ग्रुप के कोई मेम्बर्स हैं जिन्हें इन फ्यूचर कभी किसी चीज की हेल्प चाहिए, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो वे लोग सब कुछ साथ मिलकर उस व्यक्ति की मदद कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया था, वे लोग फंड्स का सेटअप करते थे। किस लिए सेटअप करते थे? ताकि उससे अपने मेंबर्स को वे लोग मदद कर सके। अभी फंड्स का जो सेटअप करते, तो फंड्स में पैसे कहाँ से आते थे? तो वे लोग, जो भी जितने लोग वर्कर्स लोग थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था, वे लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके, मतलब एक होता है ना कि हम लोग सेविंग्स करते हैं कि हाँ, हम अपने महीने की सैलरी में से 5,000 जो भी जितना हो अपना सेविंग करेंगे फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर में कुछ भी हमको जरूरत पड़ा उसके लिए। तो वे लोग भी वैसे ही करते थे, अपने वेजेस में से कुछ हिस्सा एक जगह इकट्ठा करके कि फंड इकट्ठा करके रखते थे। और उस फंड का किस लिए यूज करते थे? ताकि फ्यूचर में जब भी उनकी किसी भी मेंबर्स को जरूरत हो तो उन्हें दे दिया जाए, उन्हें हेल्प कर दिया जाए। अब देखिए क्या होता है ना कि हर एक जगह एसोसिएशंस बनते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल बनते हैं। तो जर्मनी में क्या होता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के निर्माण होता है। जर्मनी में कौन सा पार्टी का निर्माण होता है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का, SPD, इस पार्टी का निर्माण होता है। ब्रिटेन में क्या होता है, लेबर पार्टी का फॉर्मेशन होता है, कब? 1905 में। और फ्रांस में कौन से पार्टी का फॉर्मेशन होता है? सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, इन सब पार्टीज का फॉर्मेशन कौन कर रही है? वे वर्कर्स लोग ही कर रहे, जो लोअर स्टाटा के पीपल थे, वे लोग ही अपनी अपनी पार्टीज बनाते हैं। तो हर एक जगह, जो जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब में जो पार्टी बनी उसका नाम दिए गए हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है कि जो सोशलिस्ट लोग थे, वर ट्राइंग टू स्टेप इन टू पॉलिटिक्स। अब वे लोग क्या कर रहे थे, सोशलिस्ट लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों ने अपना क्या किया, पार्टीज का फॉर्मेशन किया, पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण किया, जिसके कारण वे लोग क्या चाहते थे ना, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण क्यों किया, वे लोग ये चाहते थे ताकि पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन या पॉलिटिकल पार्टी के जरिए वे लोग पॉलिटिक्स में घुस सके, या कह सकते कि राजनीति में अपना कदम जमा सके। अब क्यों, उन लोगों का मानना था ना कि पावर्स जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पावर कब आएगी? जब उनकी सरकार रहेगी, उन्हें भी मतलब कि लोग जानेंगे कि हाँ, ये लोग कौन है, इनके क्या थॉट्स हैं, इनके क्या थिंकिंग्स हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमको बदलाव लाने हैं तो पावर की जरूरत पड़ेगी। पावर कहाँ से आएगा? तो पावर आएगा राजनीति में जाने से। इसलिए उन्होंने अपने पॉलिटिक्स, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया, जिससे ताकि वे लोग
जा सके राजनीति में। हाँ, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन तो किया, अब क्या उनके फॉर्मेशन से कुछ बदलाव आए, वो सफल हो पाए कुछ बदलाव लाने में? तो देखा जाए तो 1914 यानी 1940 तक वे लोग फेल हो जाते हैं। सोशलिस्ट वर फेल्ड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। फेल किस चीज में होते, तो उनकी कोई सरकार नहीं बन पाती यूरोप में। पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन तो हो जाता है, मगर सरकार की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। वे लोग कह सकते हैं चुनाव होता था तो चुनाव में खड़े जरूर होते थे, मगर वे जीत नहीं पाए, उनकी पार्टी कभी जीत नहीं पाई, जिससे क्या होता था उनका सरकार नहीं बन पाई। अब गवर्नमेंट नहीं बन पाई, मगर क्या होता था ना कि देखिए चुनाव में खड़े हुए, भले ही विजयी नहीं हुए, भले ही उनकी पार्टी नहीं बन पाई, मगर कुछ तो वोट मिला होगा, जिसके कारण क्या है, मान लीजिए अपोजिशन ही पार्टी में जगह तो मिला ना, उन्होंने पार्लियामेंट में अपना प्लेस सिक्योर किया ना, अपोजिशन के रूप में ही, जैसा हमारे यहाँ होता है। अगर प्रेजेंट में जो भी गवर्नमेंट चलती है, जीतती है, उसका तो जगह रहता ही है पार्लियामेंट, साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टी के रहते हैं मेंबर्स, उनके भी जो भी जीतते हैं अपोजिशन पार्टी के भी जो मेंबर्स जीतते हैं, तो उनका भी जगह पार्लियामेंट में फिक्स रहता है एज अ अपोजिशन लीडर के रूप में। तो वैसा ही सेम सोशलिस्ट लोगों के साथ भी हुआ था, उनकी पार्टीज को कुछ भी जो वोट मिले, एक दो वोट, जितने भी वोट मिले, तो जितने भी उनको सीट बनते थे पार्लियामेंट में, उनको सीट अलॉट कर दिए जाते थे किसके रूप में, अपोजिशन पार्टी के रूप में। तो क्या होता था ना, उन्होंने भले ही गवर्नमेंट नहीं बना पाई, मगर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में उनका एक जगह बन गया, यानी कि पार्लियामेंट में एक जगह उन्होंने अपना सिक्योर कर लिया। अब वो लोग जब सिक्योर कर लिए तो क्या होता है, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन। क्या होता है कि उनके जो, अब वो कैसा होता है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट में होता है कि जो रूलिंग पार्टी रहती है वो नए लॉज लाती है, नए बिल्स लाती है, नए नए नियम कानून बनाती है, तो वो नियम और कानून जो रहते हैं पहले तो बोथ हाउस में, जो भी लोकसभा राज्यसभा होती है वहाँ पास होती है। तो सेम उसमें क्या होता है कि अपोजिशन लीडर भी अपना मत रखता है कि नहीं, हाँ ये इसमें ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, आपको ये सुधारनी चाहिए। तो सेम उनका भी था, जो पॉलिटिक्स सोशलिस्ट पॉलिटिक्स थे, तो उन लोग भी डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली लेजिस्लेशन में मदद करते थे। लेजिस्लेशन में मदद करने का इन द सेंस कि जो भी नए नियम कानून बनते हैं तो उसमें अपना सहयोग देते थे। सहयोग दे किस सेंस में देते थे, उसकी मतलब उसमें जो कमियां है उसको उजागर करके, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसको बता करके। तो इससे क्या होता है ना कि उन्होंने लेजिस्लेशन का जो सेफ था, या कह सकते हैं लेजिस्लेशन का निर्माण करने में थोड़ा सा सहयोग दिया था। ये तो हो गया सोशलिस्ट पार्टी का। अब उनकी, जैसे कि गवर्नमेंट उनकी नहीं बन पाती है, तो गवर्नमेंट रहती किसकी है, तो गवर्नमेंट वही जो पहले जो रहती थी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेटिव्स वे लोग रहते हैं जो पहले से पावर में रहते हैं। तो गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो जो कंजर्वेटिव्स लोग थे, लिबरल्स लोग, रेडिकल्स लोग थे, तो गवर्नमेंट उन्हीं वे लोग ही चलाते थे, या कह सकते कि उनकी ही सरकार थी सोशलिज्म के साथ। इसी के साथ हमारा क्या होता है कि जो हमारे चैप्टर का एक हिस्सा था, कह सकते हमारा चैप्टर जो दो पार्ट में डिवाइड था, सोशलिज्म और रशियन रिवॉल्यूशन, तो एक हिस्सा यानी सोशलिज्म का हिस्सा इसी के साथ समाप्त होता है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, रशियन रिवॉल्यूशन क्या था, कैसे होता है। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।